हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। इस वीडियो हम जानेंगे सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मून। मून हमारे सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के आकार का लगभग 1/4 है और अपने होस्ट प्लैनेट के रिलेटिव सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। मून का सरफेस गड्ढों, पहाड़ों और घाटियों से ढकी हुई है। मून के डार्क एरिया को मारिया कहा जाता है और रियलिटी में एंशियंट लावा फ्लोज द्वारा क्रिएटेड फ्लैट प्लेन है। मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई वेदर और एयर प्रेशर नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि मून पर कोई आवाज नहीं है, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए हवा जैसे मीडियम की आवश्यकता होती है। मून अर्थ को ऑर्बिट करने में लगभग 27.3 डेज लेता है और उसी रेट में अपने एक्सिस पर घूमता है। एज ए रिजल्ट, मून के सेम साइड को हम हमेशा हमारे सामने देखते हैं। मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर ज्वार भाटे का कारण बनता है। ये टाइड्स ओशन कोस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक होते हैं और ओशंस में पानी पर मून के ग्रेविटी के कारण होते हैं। मून पर टेम्परेचर वेरी करता है। रात में -173 डिग्री सेल्सियस जितना कम से लेकर दिन के दौरान 127 डिग्री सेल्सियस जितना हो सकता है। द मून हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाई ह्यूमंस एंड रोबोट सिंस डिकेड्स। मून पर पहला ह्यूमन लैंडिंग 1969 में अपोलो 11 मिशन द्वारा किया गया था। इंडिया ने भी चंद्रयान 1 और 2 जैसे मिशन भेजे हैं। बाई 2024 इंडिया विल लॉन्च इट्स चंद्रयान 3 मिशन। Thank you so much. If you like this video, please subscribe my channel. Jai Hind.